9 सट्टेबाज को गिरफ्तार किया गया है। 10 से 15 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। रुपए गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते सट्टेबाज को गिरफ्तार किया गया। कृष्णा विहार के पास मुसद्दीपुरा में छापेमारी की गई है। बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर सट्टा चल रहा था, मशीनों को मंगवाना पड़ा यहां से। उज्जैन में जिस तरीके से सट्टेबाजी का ये खेल चल रहा था उस पर से पर्दाफाश किया गया, बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए के साथ 9 सट्टेबाज को गिरफ्तार किया गया। 10 से 15 करोड़ सूत्र बता रहे हैं, अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। और 9 सट्टेबाजों को आप देख सकते हैं, रुपए गिनने के लिए मशीनें भी मंगवानी पड़ी। कृष्णा विहार के पास जो है छापेमारी की गई है। बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर ही सट्टा चल रहा था। कई लैपटॉप, टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन, इसके अलावा सिम कार्ड, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मिली हैं यहां से। और साथ ही कैश, आप देखिए कि कैश यहां पर रखा हुआ था। उज्जैन में सट्टेबाजों के खेल को खत्म किया गया और साथ ही इन्हें पकड़ लिया गया है। कई करोड़ कैश मौके से मिले हैं, गिनने का सिलसिला जारी है। उज्जैन की पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिल्डर के घर पर सट्टा चला था और सट्टेबाजों पर ये कार्रवाई हुई है। उज्जैन में पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मुसद्दीपुरा और इंदौर रोड पर जो 90 ड्रीम्स कॉलोनी है, यहाँ पर बिल्डर के यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। देर रात से लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है यहाँ से जिसके माध्यम से जो ऑनलाइन सट्टा और आईपीएल सट्टा का जो कारोबार किया जा रहा था, उस सब सामग्रियों को यहाँ से जब्त किया गया है। रात भर जो है मशीनों के माध्यम से नोटों की गिनती चल रही थी। रात भर से ये पुलिस की टीम पूरी लगातार लगी हुई थी और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जो रात भर से मेहनत की है और पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है कि अभी मुसद्दीपुरा जो है वहाँ पर लगातार अभी गिनती जारी है और यहाँ पर भी जो दूसरी जगह 90 ड्रीम्स कॉलोनी है यहाँ पर भी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में जो है उज्जैन SP इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और आखिरकार ये कब से ये पूरा जो गोरख धंधा चल रहा था और इसमें ऐसे कितने लोग शामिल हैं जो इस पूरे धंधे को अंजाम दे रहे थे। अजय पटवानी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। तो आप सुन रहे हैं कि क्या कुछ वहां से मिली हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन्स और बहुत सी ऐसी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है मौके से जब्त की गई है। उज्जैन पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, अब तक की 10 से 15 करोड़ कैश मिले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि 10 से 15 करोड़ हो सकते हैं क्योंकि मशीनों को मंगवाया गया था। जब पैसे गिनने की बारी आई तो मशीन का सहारा लेना पड़ा, इतने भारी मात्रा में कैश वहां पर रखे थे। देखिए कैश लोग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी मात्रा में कैश मिले हैं। हमारे साथ अजय पटवा जुड़ गए हैं। अजय, आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद थे और साथ ही आपने वहां पर बातचीत भी की पुलिस से भी, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, अब सट्टेबाज का कनेक्शन किन लोगों से था, क्या कुछ जानकारी मिली है इस मामले में? ये देखिए, उज्जैन पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि उज्जैन में जो पीयूष चोपड़ा है वो लगातार ऑनलाइन सट्टे और T20 मैच का जो सट्टा का कारोबार कर रहा है। इसमें जो है लुधियाना और निम्बाड़ा और नीमच के लोग मिलकर इस पूरे सट्टे के कारोबार को संचालित कर रहे हैं। जो लोग 9 लोग पकड़ाए हैं ये वही लोग हैं जो तीन जगह से आकर यहाँ पर उज्जैन में सट्टे का कारोबार कर रहे थे। मेन जो सरगना है पीयूष चोपड़ा वो फिलहाल फरार है इस पूरे मामले में। वही पुलिस को जो है 14,98,00,000 रुपए हाथ लगे हैं। वही विदेशी करेंसी और चांदी की जो सिल्ला है वो भी पुलिस को वहां से मिली है। अब इस पूरे विषय में पुलिस ये पता करने में लगी है कि ये कितने लोगों के संपर्क में है और ये कैसे इस पूरे कारोबार को संचालित करते थे, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है उज्जैन पुलिस के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कल रात से ही लगातार इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई थी और रात से ही नोटों की मशीन से जो है नोटों को गिनने का काम किया जा रहा था, और आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि बड़ी संख्या में जो है नोटों की गड्डियां वहां पे रखी हुई है। जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस के जो दो थाना क्षेत्र थे, एक नीलगंगा थाना क्षेत्र और उज्जैन का खारागुआ थाना क्षेत्र, ये दोनों जगह पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की और इसी के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे विषय में यही कहा है कि जिस तरीके से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार किया जा रहा था और
इसमें जो है करोड़ों का लेखा जोखा भी मिला है, और इसके साथ जो करोड़ों की जो कैश मिला है वो बरामद किया गया है। बिल्कुल, और देखा जा सकता है कि काफी भारी मात्रा में कैश जो है नजर आ रहा है, और ये बड़ी कार्रवाई उज्जैन